हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। मेरा चैनल इंडस्ट्रियल मैकेनिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, कोल इंजेक्टर यानी आरएलएफ को जब खोल देते हैं, खोलने के बाद जो असेंबली करेंगे उसको कैसे असेंबली करेंगे, इसका क्लियरेंस अच्छा से कैसे चेकिंग करेंगे और कितना क्लियरेंस रखेंगे वो अच्छा से चलेगा, इस सब के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, DRI सेक्शन में कोल इंजेक्टर यानी आरएलएफ का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि आरएलएफ का फीडिंग स्टार्टिंग में भी इसी में होता है और जब किलन चलता है तो स्टार्टिंग इसी में होता है और एंडिंग इसी में भी होता है। तो आरएलएफ का फुल फॉर्म आपका हो गया RALF, रोटरी एयर लग फीडर। तो इसको खोलने के बाद असेंबली करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसका डिटेल्स हम आपको पूरा बारी बारी से आपको बहुत समझाने की कोशिश करें, आप उसको अच्छा से देखिए इस वीडियो को। पहले इसका हम पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो पार्ट्स क्या है, ये जो बोल्ट आपको दिखा रहे हैं, ये हो गया जो लाइनर बोल्ट है, इनर का अंदर में जो लाइनर है, तो बॉडी तो ऊपर में हो गया, अंदर में जो लाइनर पाइप होता है इसका बेस बोल्ट। तो इसको क्या करते हैं ना, ड्रिलिंग करने के बाद जो बोल्ट बोल्टिंग करते हैं, बोल्टिंग करने तो उसको अच्छा से उसको चारों तरफ करते हैं, करने बाद वो क्या होता है ना, खींच के उसको चारों तरफ अच्छा से रखता है। ये देखिए, दोनों का जो साइड प्लेट होता है, इसका साइड बोल्ट ये होता है, इसको आपको गैस्केट देके इसको टाइट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट ये देखिए प्रेशर प्लेट। तो प्रेशर प्लेट क्या होता है ना, आरएलएफ का बॉडी और जो आपका जो साइड प्लेट होता है उसका बीच में ये आपका प्रेशर प्लेट रहता है, इसमें आपको साइड का जो गैप को इसको एडजस्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट ये देखिए, जो दोनों बोल्ट आपको दिखा रहे हैं, ये प्रेशर प्लेट का दोनों बोल्ट है। तो जो येलो कलर का है वो आपको क्या है, एडजस्टिंग प्लेट आपका जो क्या होगा ना, प्लेट को अंदर तरफ बाहर आउट तरफ खींचेगा, नहीं बाहर तरफ खींचेगा, और दूसरा जो होता है आपको क्या करेगा ना, अंदर तरफ उसको ढक लेगा, ये होता है इसका काम। नेक्स्ट ये देखिए, आपका बेयरिंग का जो बेस बोल्ट है, तो इसी बोल्ट में आपको जो बेयरिंग होता है, पिलो ब्लॉक बेयरिंग्स में लगता है, ये आपका फिटिंग रहता है। तो ये देखिए उसका एडजस्टिंग बोल्ट। तो इसी को क्या करते हैं ना, बेयरिंग को जो एडजस्टिंग करते हैं अलाइनमेंट के टाइम में, जो क्लीयरेंस उसको लेने के टाइम में, इसी में एडजस्टिंग किया जाता है। ये पहले दूसरा कुछ था, हम लोग उसको काट के ऊपर में प्लेट दे के उसको बोर करके उसमें बोल्टिंग किए हैं, इसको हम लोग मॉडिफिकेशन किए हैं। चाहे तो आप उसको भी ऐसे कर सकते हैं, ताकि तो क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा और बेयरिंग को मूवमेंट थोड़ा रहेगा। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल में नया है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका पास पहुंच सके। डेली फील्ड रिलेटेड वीडियो, मैकेनिकल वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम डेली अपलोड करते रहते हैं, आप उसको देखिए और कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप उसको कमेंट के माध्यम से भी बता पाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, उसको अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप मिस करेंगे तो आरएलएफ का फिटिंग में आपको दिक्कत आएगा, इसलिए उसको अच्छा से देखिए। चलते हैं वीडियो का अंदर। दोस्तों, आरएलएफ का बॉडी के अंदर में जो लाइनर प्लेट रहता है, लाइनर पाइप जो रहता है, वो आपको क्या करता है ना, उसको माइनस हो जाता है, जो रोटर उसमें चलता है तो माइनस हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं उसको निकालने के बाद तो नया रोटर उसमें आपको लगा देता है, लाइनर उसको फिटिंग किया जाता है, या आपका मशीनिंग होके उसको लेद में आपको फिटिंग होके आता है। या आपका देखिए अभी फिटिंग होके आ गया है, आने के बाद जो थोड़ा मोड़ा उसमें रहते हैं, हम उसको वॉपिंग व्हील मार के उसको पूरा अच्छा से साफ करते हैं, ताकि जब हम रोटर अंदर डालेंगे तो रोटर डालने के टाइम में कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए उसको पूरा अच्छा से साफ करते हैं, करने बाद उसमें हम रोटर डालेंगे। तो उसी तरह जो रोटर होता है उसी को भी हम लोग देखिए, ये मशीन होके जितना माइनस था उसको होल्डिंग किया गया है, होल्डिंग करने के बाद जो लाइनर होता है, लाइनर का जो आईडी होता है, उसी हिसाब से आपका रोटर का जो ब्लेड है उसका हाइट उतना रखना पड़ता है, थोड़ा सा क्लियरेंस रखना पड़ता है। तो ये भी देखिए, अभी जो प्लेट उसको भी होल्डिंग करके मशीनिंग होकर रेडी हो गया है, और दोनों साइड का जो बेयरिंग का बेस है और उस टाइप उस जगह में भी आपको अच्छा से मशीनिंग होके आ गया है। अब उसको फिटिंग करेंगे, फिटिंग करने टाइम में देखेंगे, अभी वो उसका अंदर में रोटर उसका अंदर में डाल दिए, तो डालने के बाद हम लोग को चेक करना है तो रोटर का जो हाथ में घुमाएंगे थोड़ा सा क्लियरेंस रहता है कि नहीं। तो जहाँ पर भी थोड़ा सा क्लियरेंस नहीं रहता है उसको चेकिंग करना पड़ेगा, जो लाइनर का अंदर का आईडी और जो रोटर का जो ब्लेड है तो उसका ओडी आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा, कितना उसमें क्लियरेंस है। तो आउटर साइकिल लेके और इनर साइकिल लेके उसको चेक करना पड़ता है। चेक करने के बाद जो साइड प्लेट उसमें फिटिंग करेंगे, तो साइड प्लेट फिटिंग करने के बाद ये देखिए अभी उसमें जो गैस्केट हम उसको कटिंग कर दिए, तो इसी का शेप में उसको कटिंग करना पड़ता है। कटिंग करने बाद उसको हम फिटिंग कर,
अब बारी आता है उसको फिटिंग करने के टाइम, मतलब जो आरएलएफ का जो बॉडी होता है, बॉडी के साथ में जो साइड प्लेट को फिटिंग करना पड़ेगा। तो साइड प्लेट को फिटिंग करने से पहले तो साइड प्लेट के साथ हम क्या करेंगे, जो प्रेशर प्लेट होता है दोनों साइड में दो ठो, उसको फिटिंग करते हैं। तो प्रेशर प्लेट को फिटिंग करने के टाइम में आप देखेंगे उसमें 3 बोल्ट उसमें लगा रहता है, तो उसमें थ्रेडिंग रहता है और थ्रेडिंग के साथ में उसका आगे पीछे कहाँ पर उसका जो नट का हेड भी नहीं रहता है। इसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा। तो इस चीज़ को क्या होता है ना, प्रेशर प्लेट को बाहर तरफ खींचता है और जिसमें हेड आपका रहता है वो हेड का जो रहता है वो आपको क्या करेगा ना, प्रेशर प्लेट को अंदर तरफ यानी रोटर का तरफ खींचेगा। ये चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये चीज़ बहुत दिक्कत करता है, अच्छा से आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ पर कौन सा है। तो ये देखिए और एक चीज़ है, तो प्रेशर प्लेट होता है, प्रेशर प्लेट और जो साइड प्लेट होता है तो दोनों का बीच में एक टू फॉर्म दिया जाता है, एक टू स्पॉन्ज टाइप का चीज आता है उसका अंदर में दिया जाता है। तो उसको इसलिए देने का उसमें इसलिए ज़रूरी होता है, जो प्रेशर प्लेट जो साइड प्लेट दोनों का बीच का जो गैप होता है उसको मेंटेन करके रखेगा, नहीं तो उसमें क्या होगा, उसको हम नहीं देंगे तो क्या करेगा, उसमें आपको कोल फाइंस निकल जाएगा, इसलिए उसको देना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ ये देखिए, ये होने के बाद क्या होता है ना, जो आरएलएफ का बॉडी के साथ और साइड प्लेट को फिटिंग करते हैं, फिटिंग करने के आगे उसका जो जो काट के हम लोग गैस्केट रखते हैं उसको बीच में देते हैं और देने टाइम में फिटिंग करेंगे और साइड बोल्ट को टाइट करेंगे। तो साइड बोल्ट को टाइट करने के टाइम में ये देखना है उसका चारों तरफ का जो बॉडी का जो प्लेट होता है और जो इसका जो दोनों का प्लेट होता है ये बराबर रहना चाहिए, ये थोड़ा सा इधर उधर होगा तो आपको अच्छा से नहीं लगेगा। ये देखिए ये हो गया, उसके बाद जो गैप है इसी गैप में अभी ग्लैंड रोप ग्लैंड पैकिंग देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर देते हैं जो यहाँ पर, तो आपका फेस में बैठ जाएगा बेरिंग, ये जो गैप में आपका क्या होगा उसमें आपको डस्ट पार्टिकल उसमें बाहर आएगा, इसलिए क्या करते हैं ना ग्लैंड रोप के साथ में उसमें थोड़ा सा लुब्रिकेशन करके उसका अंदर में दे के आगे का जो हॉप होता है उसको अच्छा से टाइट करना पड़ता है। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे ना, बेयरिंग फिटिंग करेंगे। तो बेयरिंग को जस्ट उसमें फिटिंग करके खाली उसमें जो बेस बोल्ट है उसको खाली लगा के रखना है, उसको टाइट नहीं करना है, खाली जस्ट उसमें फिटिंग करके उसको लगा के रखना है। रखने के बाद क्या करेंगे, जो आपका हल्का हल्का उसमें टाइट करके रखेंगे। अब देखिए फीलर गज में उसको क्लियरेंस चेकिंग कर रहे हैं, तो क्लियरेंस को कैसे कैसे चेकिंग करते हैं, कहाँ 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 पर चेक करते हैं आप उसको देखिए। तो आगे पीछे ये पर चेकिंग करेंगे और जो प्रेशर प्लेट है आगे तरफ और पीछे तरफ जो प्रेशर प्लेट में है उसको भी चेक करना पड़ता है। तो चेक करके उसमें हम लोग को रखना कितना है ना 0.02 उसमें क्लियरेंस रखते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा रहने से भी चलेगा, लेकिन आपको उसमें मेजर कब रखते हैं 0.02 का क्लियरेंस उसमें रहता है। तो ये होने के बाद उसको हम क्या करेंगे ना, उसको एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट कैसे करेंगे, तो पहले रोटर को एडजस्ट करेंगे। तो रोटर को एडजस्ट करने के लिए बेरिंग को जो बेरिंग का जो आउटर तरफ में तो एडजस्टिंग बोल्ट है आपको पहले हम दिखाए थे, तो एडजस्टिंग बोल्ट को टाइट करना पड़ेगा। तो एडजस्टिंग बोल्ट को टाइट करके उसको धीरे धीरे से टाइट करके उसको एडजस्टिंग करेंगे। तो एडजस्टिंग करके आगे पीछे करके उसको अच्छा से टाइट करेंगे। टाइट करने बाद जितना जब आगे तरफ और पीछे तरफ मतलब इनसाइड में आउटसाइड में जब आपका अपना फिटिंग हो जाएगा, तो फिटिंग होने के बाद पूरा जितना क्लियरेंस उसमें अच्छा से रह जाएगा उसका बाद हम उसको लग करेंगे। लग करने के बाद अभी देखिए उसका क्लियरेंस चेकिंग हो गया, अब सब कुछ रेडी हो गया। रेडी होने के बाद उसको हम क्या करेंगे ना, जो बेयरिंग का जो बेस फ्रेम बेस बोल्ट है उसको हम टाइट करेंगे। तो टाइट करके फिर उसमें चेक करेंगे कितना आपका क्लियरेंस है, उसको भी चेक करेंगे। और लास्ट में आप को ये करना है जो पिलो ब्लॉक में जो आपका एलिंग की है तो एलिंग को टाइट करना है। ये सब करने के बाद पूरा क्लियरेंस हो जाएगा। होने बाद उसको आपको उठाना है कहाँ, बेस में। तो बेस में के ऊपर उठाने के बाद आपका क्या होता है, तो मशीन टाइम में जहाँ जहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट का हिसाब से थोड़ा सा रह जाता है उसको आपको क्लियर करना पड़ता है। तो क्या करते हैं ना, बेस का ऊपर में उसको लगा बैठा के मोटर को फिटिंग करके उसको घुमा देने से वो आपका अच्छा से क्लियर हो जाएगा। घुमाने के टाइम में दोस्तों उसमें थोड़ा सा ऑयल भी आप उसमें डाल देंगे और आपका क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ को आप देखिए, हम जो भी चीज़ आपको बता रहे हैं सब प्रैक्टिकल चीज़ आपको करके बता रहे हैं। इस प्रैक्टिकल चीज़ में हम उसमें काम कर रहे हैं, आपको उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं, आप उसी हिसाब से कीजिए, आपको करने में बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसे फील्ड वीडियो मैकेनिकल वीडियो डेली हम इस चैनल में का माध्यम से हम अपलोड करते हैं, आप उसको अच्छा से देखिए, देख के उस आपका दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए।
और जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है आप हमको कमेंट में भी बोल सकते हैं। फिर जब नेक्स्ट वीडियो लगे तब तक रहते हैं, नमस्ते, जय जगन्नाथ।